दोतासरा जी ने गांधी जी और मेरी तुलना की, ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी की जगह कहीं है और मेरी जगह कहीं और है, और तुलना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आज़ादी के लिए दी, 10-12 साल जेल काटी, तो उनकी जगह कोई और भर नहीं सकता है, और उनके साथ मेरा नाम भी नहीं लेना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात, मैं मेरे कांग्रेस पार्टी के जो मित्र हैं उनके उनसे थोड़ी कड़ी बात कहना चाहता हूं। देखिए, जो राजीव गांधी जी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, वो शहीद हुए, उन्होंने जो करना था किया और अच्छा किया, मगर कांग्रेस पार्टी को हर मीटिंग में ये दोहराना नहीं चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो किया वो कर दिया, जो इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने जो किया कर दिया, वो अच्छा है, मगर हमें ये बोलना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। तो मेरे दिल में बात आई, कभी कभी मैं जो आता है कह देता हूं, तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। 2-3 चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, ये यात्रा हमने शुरू की, इसका लक्ष्य भारत को जोड़ने का था। कन्याकुमारी से कश्मीर ये यात्रा चलेगी, और ये 2-3 मुद्दों को उठाने के लिए हम चल रहे हैं। एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं जिससे आपको सब बात समझ आ जाएगी। देखिए, हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों के हाथ में है। 100 लोगों के पास इतना धन है जितना हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों के हाथ में है। हिंदुस्तान का आधा धन सिर्फ 100 लोगों के पास है, और इन 100 लोगों के लिए हिंदुस्तान चलाया जाता है। और अगर आप उससे भी गहराई में जाना चाहते हैं, तो आप उन 100 लोगों को भी छोड़ दीजिए, उनमें से 4-5 ऐसे लोग हैं जिनको आज आप हिंदुस्तान के महाराजा कह सकते हो, राजा कह सकते हो, पूरी की पूरी सरकार, पूरा मीडिया, सारे ब्यूरोक्रेट्स इनके इशारे से काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी इन्हीं के इशारे से काम करते हैं, जो ये कहते हैं वो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। इन्होंने कहा कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो मिडिल साइज व्यापारी हैं, उनको खत्म करना है। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को इशारा दिया, और नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक निर्णय लेने शुरू कर दिए। नोटबंदी, भाइयों और बहनों, ये पॉलिसी नहीं है, ये हथियार है। ये हिंदुस्तान के छोटे व्यापारियों को, मिडिल साइज बिजनेस चलाने वालों को, ये दुकानदारों को खत्म करने का हथियार है। दूसरा हथियार, गलत जीएसटी। आज मुझे सड़क पे बताया गया कि अगर कोई व्यापारी गुड़, बेसन अगर 25 किलो से ज्यादा, 25 किलो से कम बेचता है,
तो उस पर जीएसटी लागू हो जाती है, मगर अगर 25 किलो से ज्यादा बेचता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगती। तो जहां भी ये छोटे व्यापारियों को मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा दम लगा के कर देते हैं। लक्ष्य है कि जो हिंदुस्तान के छोटे व्यापारी हैं, जो देश को रोजगार देते हैं, इनको खत्म कर दिया जाए और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 3-4 पूंजीपतियों को देश का पूरा धन दे दिया जाए। तो यात्रा का पहला लक्ष्य, इसका जो नतीजा आ रहा है, जो 5-7 पूंजीपतियों को पूरा का पूरा देश का धन दिया जा रहा है, इसका नतीजा है कि देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। मेरे से कन्याकुमारी से यहां तक हजारों युवा मिले हैं और सारे के सारे मुझे कहते हैं, हमें बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में हमें रोजगार नहीं मिल सकता है। हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आज हम ओला चलाते हैं, ऊबर चलाते हैं या फिर मजदूरी करते हैं। तो यह हालत हिंदुस्तान की है। जो गरीब लोग हैं वो बेरोजगार हैं, उनको रास्ता नहीं दिख रहा, उनके सपने पूरे नहीं होते, और 5-6 अरबपति हैं उनको सब कुछ मिल जाता है, एयरपोर्ट मिल जाते हैं, पोर्ट्स मिल जाते हैं, सड़क भी वही बनाते हैं, खेती भी वो करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो बनाते हैं, टेलीफोन का सिस्टम भी वो चलाते हैं, सारा का सारा उनके हाथ में, और इससे देश को बहुत गहरी चोट पड़ रही है। तो पहला मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा का बेरोजगारी के खिलाफ खड़े होने का है। दूसरा मुद्दा, और हर किसान मुझे ये कहता है, महंगाई बढ़ती जा रही है। यहां हमारी माताएं बहनें आई हैं, सबसे बड़ी चोट इनको पड़ती है। आप मुझे बताइए, यूपीए के समय गैस सिलेंडर का क्या दाम था? क्या दाम था? 400 रुपए। आज क्या दाम है? 1100। पेट्रोल का क्या दाम था? आज क्या दाम है? डीजल का क्या दाम था? आज क्या दाम है? ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, मगर आपको एक और सवाल पूछना चाहिए। ये जो पैसा आपके जेब में से निकल रहा है, सिलेंडर का पैसा, पेट्रोल का पैसा, डीजल का पैसा, ये कहां जा रहा है? ये किसकी जेब में जा रहा है? ये किसके हाथों में जा रहा है? ये वही 5 पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। सारा का सारा धन आपके जेब में से निकाला जाता है, किसानों के परिवारों के जेब में से निकाला जाता है और इन्हीं 5 लोगों को दिया जाता है। यह दूसरा मुद्दा है। इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम गिरे हैं, मगर हिंदुस्तान में तेल के दाम, पेट्रोल के दाम कभी नहीं गिर सकते। इस देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में जहां से हम खरीदते हैं वहां पे दाम घटते जा रहे हैं और हिंदुस्तान में दाम बढ़ते जा रहे हैं। फायदा किसको? उन्हीं 2-3 उद्योगपतियों को, अरबपतियों को। तो दूसरा मुद्दा महंगाई का मुद्दा है, और इससे सब गरीब लोगों को चोट पहुंचती है, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाते हैं उनको, सबको चोट पहुंचती है। और तीसरा मुद्दा जो नफरत का मुद्दा है, आरएसएस और बीजेपी, उनकी योजनाएं डर फैलाने की योजनाएं हैं। नोटबंदी का लक्ष्य हिंदुस्तान की जनता के दिल में डर फैलाने का था। गलत जीएसटी छोटे व्यापारियों को डराने की योजना है। जो आज बेरोजगारी है उससे डर बढ़ता जा रहा है, और इस डर का फायदा सिर्फ बीजेपी और आरएसएस को होता है, क्योंकि वो इस डर को नफरत में बदलते हैं। उनका काम ही
डर को नफरत में बदलने का है। उनके पूरे पूरे संगठन यही काम करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं और डर फैलाने का काम करते हैं। और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा लक्ष्य और शायद सबसे जरूरी लक्ष्य, देश में जो डर फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ खड़ा होना। भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछता हूं, आपके परिवार में अगर लड़ाई हो, भाई भाई से लड़े, बेटा पिता से लड़े, माता बेटी से लड़े, तो क्या उस परिवार को फायदा मिलता है? फायदा होता है परिवार को कभी? ऐसा कोई परिवार है जो बांटा गया, जिसमें लड़ाई हुई, जिसमें नफरत है और वो आगे बढ़ गया? कोई है ऐसा परिवार? एक परिवार नहीं मिलेगा आपको। तो अगर परिवार को नफरत और हिंसा से फायदा नहीं होता तो देश को कैसे होगा? तो भाइयों और बहनों, देश कमजोर हो रहा है और इस कमजोरी का फायदा देश के दुश्मन उठाएंगे। इस कमजोरी का फायदा जो देश का भला नहीं चाहते हैं वो उठा रहे हैं। इसीलिए हमने देश को जोड़ने की यात्रा, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की यात्रा, श्रीनगर में तिरंगा फहराने की यात्रा हमने शुरू की है और ये यात्रा श्रीनगर तक जाएगी। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए राजस्थान में, महाराष्ट्र में मैं चला और जब मैं आपसे मिलता हूं, आप दो नारे इस्तेमाल करते हो सड़कों पे। एक आप कहते हो राम राम साय, जो मैंने अभी पहले बोला, राम राम सा, सही। और दूसरा आप कहते हो जय सिया राम, सही। अब मैं आरएसएस बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, आप जय श्री राम बोलते हो मगर आप जय सिया राम क्यों नहीं बोलते हो? आपने सीता मां को इस नारे से क्यों निकाला? आप में सीता मां का अपमान क्यों करते हो? आप हिंदुस्तान की नारी का अपमान क्यों करते हो? और मैं उनसे कहता हूं, हे राम नारा का प्रयोग कीजिए, जय सिया राम बोलिए, क्योंकि यही हिंदुस्तान का, राजस्थान का इतिहास है और इस नारे से इस देश को शक्ति मिलती है। सही बात है ना? सही बात है ना? तो इन्होंने देखिए क्या चालाकी की, देखिए क्या चालाकी की। इनके संगठन में आपको एक महिला नहीं मिलेगी, आरएसएस में एक महिला नहीं मिलेगी आपको। ये महिलाओं को दबाते हैं, महिलाओं को दबाते हैं ये लोग, अपने संगठन में एक महिला को नहीं आने देते। इनके जो प्रचारक होते हैं, एक महिला नहीं मिलेगी आपको। और फिर जो हमारी जो संस्कृति है जय सिया राम, उसको भी ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं और सीता मां का अपमान करते हैं। तो जब भी आपसे, आपके पास आते हैं, इनसे आप कहो, आरएसएस के लोगों से कहो कि ये बंद करें और सीता मां का अपमान ना करें और जय सिया राम बोला करें और हे राम बोला करें। और जो राम भगवान ने कहा था, जो राम भगवान ने कहा था भाई और बहनों, राम ने अन्याय कभी किया? कभी किया अपनी जिंदगी में भगवान राम ने अन्याय? क्या भगवान राम ने हिंदुस्तान में हिंसा फैलाई थी क्या? नफरत फैलाई थी क्या? ना। भगवान राम ने सबका आदर किया था? गलत जीएसटी तो लागू नहीं की थी ना? नोटबंदी तो नहीं की थी ना? क्योंकि भगवान राम गरीबों के थे, पांच पूंजीपतियों के नहीं थे, वो किसान के थे, मजदूर के थे, छोटे व्यापारियों के थे और वो सुनते थे। अगर कोई गरीब व्यक्ति उनके पास जाता था वो सुनते थे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में था वो सुनते थे, गले लगते थे। तो जो भगवान राम ने किया वो ये लोग करते नहीं है।
जो ये करते हैं उनके खिलाफ करते हैं और फिर नारा लगाते हैं जय श्री राम जय श्री राम। तो इनसे यह भी कहो कि जो भगवान राम ने किया था, जो इज्जत भगवान राम ने हर व्यक्ति को दी थी, जो भाईचारा, जो मोहब्बत भगवान राम ने इस देश में फैलाई थी, वो उनको करना चाहिए। नफरत नहीं फैलानी चाहिए, डर नहीं फैलाना चाहिए और सही नारा का प्रयोग करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।